वहीं भिलाई तीन के कांग्रेस जनों द्वारा स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भिलाई तीन बाजार चौक में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे, निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर, पूर्व सभापति विजय जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित। चरोदा समाज सेवी संगठन के द्वारा आज दुर्ग लोकसभा के पूर्व सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चंदूलाल चंद्राकर व्यवसायिक परिसर भिलाई तीन में उनकी प्रतिमा स्थल पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर निर्मल कोसरे, निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर, पूर्व सभापति विजय जैन शामिल रहे। इसे लेकर शामिल सभी अतिथियों ने कहा कि चंदूलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के पुरोधा थे। उन्होंने जिस भावना और सोच के साथ छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए आंदोलन का शंखनाद किया था, उसे कांग्रेस की प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में साकार करते हुए आगे बढ़ रही है। चंदूलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ के महान सपूत थे। उन्होंने लोकसभा सांसद रहते हुए केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला। छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी चंदूलाल चंद्राकर ने अहम महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी की पावन पुण्य स्मृति में मैं उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जो सपना स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी ने देखा था, छत्तीसगढ़ की परिकल्पना जो की थी उन्होंने, आज 21 साल बाद ऐसे लगा हमको 2018 से जब से माननीय भूपेश बघेल जी एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को गढ़ने का प्रयास कर रहा है। आज भिलाई चरोदा में भी उन्हीं के अनुरूप हमारी शहर सरकार कांग्रेस की बनी है, तो निश्चित रूप से उनके सपनों के आधार पर हमारा भिलाई चरोदा और पूरा छत्तीसगढ़ बने, यही हमारे चंदूलाल चंद्राकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चंदूलाल चंद्राकर जी के पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित हुए हैं। 27वां पुण्यतिथि है। इसमें माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमेशा यहाँ आए हैं। आज कुछ कार्यक्रम राहुल जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी, इसलिए नहीं आ पाए, उसके लिए खेद है। हमारे कांग्रेस जन सभी एकत्रित हुए हैं और उसके मनसा के हिसाब ही यहाँ कार्य होगा भिलाई नगर क्षेत्र में। और आज हमारे महापौर जी उसका घोषणा किए हैं कि यहाँ छतरी उसके ऊपर होगा, ये प्रथम घोषणा था उसका। हम लोग बोले कि प्रथम घोषणा अच्छी कार्य के लिए करेंगे, तो शुरुआत आज से यहाँ हुआ है। आज चंदूलाल जी की पुण्यतिथि पर उनको याद करना निश्चित रूप से फख्र की बात है। और जो चंदूलाल जी ने ख्वाब देखा था जिस छत्तीसगढ़ का, वो समय आ चुका है। कांग्रेस की सरकार ने उनके सपनों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नवनिर्माण करना प्रारंभ कर दिया है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ के किसान, इन सब का वही विकास होगा जो चंदूलाल जी ने ख्वाब देखा था। जैसा कि आज हम लोग चंदूलाल जी, हमारे पूर्व सांसद, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे, छत्तीसगढ़ राज्य के, उनके 27वें पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। चंदूलाल चंद्राकर जी जब सांसद थे तो हम लोग बहुत युवा हुआ करते थे, उनके कार्यशैली से बहुत प्रभावित हुआ करते थे और उन्होंने जो सपना देखा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का, वो सन 2001 में उनके मरने के 6 साल बाद उनके आत्मा को शांति मिली। छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में आप सब देख रहे हैं, जो यहाँ खुशहाली है, जो यहाँ विकास है, जो समृद्धि है, जो जागरूकता है स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, तो ये कल्पना उन्होंने किया था। यहाँ अमीर धरती के गरीब लोगों का उन्होंने पर्याप्त अध्ययन किया था और खेती में विविधता। महापौर ने इस अवसर पर उनकी प्रतिमा स्थल पर निगम के माध्यम से शेड निर्माण कराने की घोषणा की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि व कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे।